जनपद के सदर तहसील क्षेत्र में अब तक 35 भूमाफियाओं को चिन्हित कर शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और इनके विरुद्ध साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। साक्ष्य इकट्ठा होने के बाद इन भूमाफियाओं के ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को भूमाफिया में चिन्हित कर कार्रवाई की गई है, जिसके संबंध में SDM सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि थाना वाइज विभिन्न शासनादेश के माध्यम से भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है। इसके तहत जालसाजी कर बैनामा कराने, किसी सरकारी भूमि पर कब्जा करने, जमीन खरीदार की गलतियों को भी देखा जा रहा है, जिस पर संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। SDM सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि कुछ भूमाफिया गलत तरीके से जमीन की प्लॉटिंग कर लोगों को बेच रहे हैं, जिसका नक्शा GDA में भी पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर तहसील में अब तक 35 भूमाफियाओं पर साक्ष्य के आधार पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा, अभी आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति को भूमाफिया में चिन्हित किया गया है। इस तरीके के हमने थाने वाइज अलग अलग प्रकरणों में, जिसमें कि हमारे पास स्पष्ट निर्देश विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से, तो 35 के आसपास हमने लोग अभी चिन्हित किए हैं मेरी तहसील के अंदर, जिनके ऊपर अभी हम एक पे कम्प्लीटली प्रूफ जुटा पाए थे, बाकियों के ऊपर अभी हम लोग प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं और तदनुसार हम लोग प्रकरण को भूमाफिया के लिए आगे प्रेषित कर दिया जाएगा कार्रवाई के लिए। आप देखेंगे, जैसे कि हम बेसिकली देखते हैं कि इसके अंदर आदमी ने किस तरीके का जुल्म किया है, अपार्ट फ्रॉम किसी की लैंड ग्रैबिंग करना। तो इस शहर के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये है कि बैनामे बहुत सारे हो गए बिना GDA के द्वारा नक्शा पास कराए, प्लॉटिंग हो गई है, किसी ने किसी को सड़क दिखा के फिर सड़क बेच दिया, आपकी सड़क की विड्थ चेंज कर दी। तो इसमें हम लोग गैंगस्टर, गुंडा, ये सभी जिस भी कैटेगरी में आदमी का गुनाह फिट करता है, तो उस तरीके की हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ, इस तरीके के जो भी अभिलेख या फिर जो भी इश्यूज हमारे संज्ञान में आते हैं कि सरकारी किसी भी तरीके की भूमियाँ, जैसे 132 की लैंड हो गई या फिर सीलिंग की नजूल की लैंड हो गई, उसमें हम लोग डायरेक्टली उनको बुक करके और कोर्ट में मुकदमा चलाते हैं। इन केस सक्षम न्यायालय द्वारा डिसीजन हो जाता है तो उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इस चीज़ में इस चीज़ को हम स्पेशली ध्यान में रख रहे हैं कि जो गड़बड़ हुई है वो कब हुई है। जो भी हमारे द्वारा FIR लॉन्च की जा रही है उसमें ये चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखा जाता है कि जो परचेजर है उसकी गलती है कि नहीं है, उसके एक ट्रांजैक्शन पहले या दो ट्रांजैक्शन पहले जब प्रॉब्लम होती है। हाल ही का एक प्रकरण है, कुछ दिन बाद आपके सबके समक्ष आएगा, जिसमें कि एटलीस्ट 30 साल पहले किसी ने प्रॉब्लम करी थी, काफ़ी बड़ी लैंड है, तो जो ओरिजिनल परपेट्रेटर है उसी के ऊपर मुख्यतः FIR होती है। जो इनोसेंट है उनको घबराने की जरूरत नहीं है।